और मैंने सलमान खान से यह भी कह दिया है कि जब बैक टू मुंबई फ्लाइट हो तो उससे पहले मुझे एग्जैक्ट बता देना, क्योंकि मैं मुझे कुछ सामान भेजना है, कहीं ऐसे मत निकल जाना मेरे रिश्तेदारों की तरह। जैकलिन नहीं आई, उसका नसीब में था नहीं मेरे से मिलना, तो क्या कर सकते भाई। बॉलीवुड स्टार्स को तो सबने देखा है, लेकिन वो आज मुझे देखेंगे तो क्या नसीब है इनके यार, सवर गए नसीब बॉलीवुड वालों के। जी हाँ, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो मिस मत करना, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगा और बहुत कुछ मिस कर दोगे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है टिकट खरीदने के लिए। ओ हेलो माय जबरदस्त फैंस, दिस इज अर्श, और आज मैं आया हूँ आपको लेके यहाँ पर जहाँ पर सलमान खान और पूरी टीम आई हुई है। ये मेरे पीछे जो स्टेज बनी है, ये सलमान खान यहाँ पर प्रोग्राम पूरी तैयारी पे है, रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी हियर टू होस्ट द बॉलीवुड स्टार्स। सो मैं बताता चलूँ इसके बारे में यहाँ पर, ये देखो ये वीडियो मैं अपने रूम से बना रहा हूँ और बहुत ही कलरफुल लाइट से, ये बहुत डिजाइन बनाते हैं इन लाइटों से। आसमान में अभी इनकी टेस्टिंग चल रही है, ये देख सकते हो स्टेज कैसे जल रही है जैसे आग, और मैं भी अपनी परफॉर्मेंस से स्टेज पे आग लगा दूंगा दोस्तों, आग जी। मैं सब कुछ देख सकता हूँ अपने रूम की विंडो से, क्योंकि ऐसी ही लोकेशन पर मैंने ये रूम लिया है जहाँ से मैं पूरा मंजर देख सकूँ इस शहर का, रियाद शहर का। ये देखो बिल्कुल सामने है मेरे रूम के ये स्टेज, इसीलिए सारे सेलिब्रिटीज की दावत करके बुलाऊंगा, सारे बिन लादेन वालों से मिलवाऊंगा, खुश है सारे। तो मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है मुझे, मैं अंदर से वीडियो बनाना चाह रहा था अंदर जाकर, लेकिन कार्ड से मेरी एंट्री नहीं होने दी है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है टिकट खरीदने के लिए, तो मैं क्या करता। और एक मेरी थिंकिंग ये भी है कि क्यों जाओ यार किसी से मिलने, कुछ ऐसा करो कि लोग तुमसे मिलने के लिए टिकट लें, ये है मेरी थिंकिंग। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है टिकट खरीदने के लिए। क्योंकि मैंने गरीबों में जो बांट दिए, ये भी तो है ना। और गाइस हाँ, मेन बात तो कहनी भूल गया कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ठाई ठाई करके सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब कुछ कर दो, जो भी करते हैं क्या क्या करते हैं पता नहीं। तो और अगर पुराने हो, सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, तो फिर से लाइक करो, बटन दबाए जाओ, टक 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 टक, 10-10 दफा, 20-20 दफा सब्सक्राइब कर दो, तो आई विल बी हैप्पी। अच्छा इधर से भाग भाग के आया था मैं वीडियो बनाने के लिए, फर्स्ट गेट पे ट्राई किया उसने भी मना कर दिया, फिर इसी लाइन में सेकंड थर्ड सारे गेट हैं आगे ये सूरज वाली लाइन में, लेकिन गार्ड्स ने बिल्कुल मना कर दिया। वो भी हर हफ्ते ट्राई करता हूँ मैं, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हर हफ्ते मैं यहाँ पर आकर ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, गार्ड से मालूम करता हूँ, पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और वीडियो बनाता हूँ, तो मतलब पूरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो अब के जैसे मैं सेकंड गेट पर आया ना, तो वहाँ पर जो गार्ड था मैं बोला उससे सलाम अलैकुम माई फ्रेंड, तो वो बोला कि माई फ्रेंड यू आर ए यूट्यूबर एंड यू वांट टू मेक ए वीडियो हियर बट आई कांट गिव यू परमिशन। वो मेरा इंट्रोडक्शन देने लगा, लेकिन मैंने भी उससे कह दिया कि अभी तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जिस दिन अपना टाइम आएगा ना उस दिन एज ए गेस्ट आऊंगा ऐसी स्टेज पे इंशाल्लाह। फिलहाल जो टॉपिक चेंज हो जाए, अभी तो टॉपिक ये है कि जब सलमान खान की पूरी टीम आ रही थी तो मैंने ईमेल करके सलमान खान को सामान मंगाया था यहाँ पर, मैंने कह दिया था कि जी खजूर, ओलिव ऑयल और तंबाकू और गुटखा वगैरह ये सब ला देना मैं अपने रूम वालों के लिए, मैं तो गुटखा वगैरह खाता नहीं हूँ तो रूम वालों के लिए भी चाहिए था। लेकिन सलमान खान ने, वो जब मेरी बात हुई पहले तो किसी और ने ही फ़ोन उठाया, मैंने जब फ़ोन किया तो फिर सलमान खान से फिर मैंने फिर बात की, तो सलमान खान ने बताया कि वो तो एयरपोर्ट पे निकाल लिया है कस्टम ऑफिसर्स ने। अब ये तो अल्लाह ही जाने के इसमें क्या हकीकत है और क्या असलियत है। तो दूसरी बात ये हो गई, मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, और ये भी बोला कि एक दिन के लगेज में आने
हो गया है तब सामान इसलिए नहीं आ पाया और जगह नहीं थी, क्योंकि और भी थे जानने पहचानने वाले रियाद शहर में, इसलिए मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत करना कि बगैर बताए चले जाना रियाद से, क्योंकि मुझे कुछ सामान खरीद के देना है, पत्ता मार्केट से लेके आ गया हूँ मैं, तो जब भी जाना बता के जाना और मैं सामान दे दूंगा कुछ, ठीक है वो मेहरबानी होगी अगर वो निकल जाए तो देख लेना, अगर लगेज में एडजस्ट हो जाए तो वो कर लेना। आज जुमा था, मैंने सलमान खान की दावत भी करी थी, पूरा रूम सजा दिया था, बिल्कुल क्लीन कर देना, हाँ खटबल वटबल एक नहीं होना चाहिए रूम में, तो बहरहाल वो हमने पका भी लिया था, मैंने मैसेज कर दिया था सलमान खान को कि जो भी पकाना हो बता देना, बन जाएगा नो प्रॉब्लम, बिरयानी ऐसी वैसी कोई भी डिश पसंद आए तो बता देना वो, लेकिन वो ऐसा हुआ क्या, बहरहाल सलमान खान ने वहीं पे खा लिया था खाना, जब मैंने कॉल करके बुलाया कि जी वो थोड़ा फैंस लोग और भी हैं तो वो मना कर रहे हैं कि यहीं पे खाना, और जी मेरी बात यह है कि जी मैं तो बुरा मानूंगा भाई, मैंने सलमान खान से कह दिया अगर यहाँ पर आना तो चलो अभी तो दूसरी जगह पे है होटल में दूर हो यहाँ से, लेकिन मैंने कह दिया है कि जी यहाँ पर आए हो अगर तो यहाँ पर हमारे रूम में जरूर आना, नहीं तो फिर मैं बुरा मान जाऊंगा, कला सीधी बात करता हूँ मैं बुरा मान जाऊंगा, रूम के अपोजिट में ही है ये स्टेज जो बनी है, यहाँ पर जो बिग इवेंट होना है, तो फिर ऐसा बुरा मानने वाली तो बात होगी, अब देखता हूँ मैं अभी वेट कर रहा हूँ यहीं से ही बाहर तक खड़े खड़े। हाँ यार यहाँ पर से जबरदस्त आ रही है वीडियो, और मैंने सलमान खान से ये भी कह दिया है कि जब बैक टू मुंबई फ्लाइट हो तो उससे पहले मुझे एग्जैक्ट बता देना टाइमिंग वगैरह कंफर्म करके, क्योंकि मैं मुझे कुछ सामान भेजना है, कहीं ऐसे मत निकल जाना मेरे रिश्तेदारों की तरह, चलो मेरे रिश्तेदारों की तरह ऐसे चुपके से निकल जाओ क्या पता लगे भाई हम सामान खरीद के भेजे और सलमान खान की फ्लाइट ही हो गई टीवी पे देखा, तो ऐसे मत करना हर किसी मेरे रिश्तेदारों की तरह, क्या जी जैसे वो चले जाते हैं जब पता लगता अरे मुन्ना तो यहाँ पे आया हुआ घूम रहा है, अरे हसीबू तो यहाँ पे आया हुआ घूम रहा है, तो ऐसा मत करना। हाँ और फाइनली मैं जैसा भी है जो भी सामान वामान के छोड़ो जैसा भी है, मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू द बॉलीवुड टीम दैट दे आर कैम हियर टू मीट मी स्पेशली, तो मैं उनके लिए शुक्रिया करना चाहूँगा दिल से कि वो आए यहाँ पर है? और मुझसे मिलेंगे तो हैं ही, तो मैं एडवांस में ये कह रहा हूँ, इसका लॉजिक ये है कि बॉलीवुड स्टार्स को तो सबने देखा है लेकिन वो आज मुझे देखेंगे, तो क्या नसीब है इनके यार, सवर गए नसीब बॉलीवुड वालों के, जी हाँ तो मुझे तो है ही उनसे मिलने की खुशी, लेकिन इससे ज़्यादा उन्हें होगी कि आज तक जिसे देखा नहीं है मोबाइल तक पे या टीवी पे नहीं देखा, आज उसे तो है फेस टू फेस मीटिंग होगी, तो ये उनके बस नसीब की बात है, जो भी आया जैकलिन नहीं आई उसका नसीब में था नहीं मेरे से मिलना, तो क्या कर सकते भाई दुआ के सिवा, खैर नेक्स्ट टाइम मिल सकता है कोई भी बॉलीवुड स्टार मेरे से। हाँ मैं अभी फिलहाल यहाँ पर रियाद में हूँ, तो मुंबई अगर कोई मुझे ऑफर आ बॉलीवुड की तरफ से और अच्छी सी हीरोइन हो ना लागिम, हाँ मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई और अगर अकॉर्डिंग टू माय चॉइस हीरोइन जो एक्ट्रेस रहेगी अकॉर्डिंग टू माय चॉइस हुई तो इट्स दैट इज फाइन नो प्रॉब्लम, आई विल गो टू द मुंबई एंड स्टार्ट वर्क विद सम स्टार्स एंड देन। अरे खोल दो किवाड़ खोल दो, अरे खोल दो, देखो कौन आया है बॉलीवुड वालों तुमसे मिलने, अरे मैं आया हूँ मैं आ गया, अरे देखो तो मैं आ गया, अरे तुम्हारे नसीब यार देखो मैं आया हूँ तुमसे मिलने, आज तुम मुझे देखोगे, तो खोल दो यार किवाड़, अरे मुझे एंटर होने दो, पैसे तो है नहीं यार गरीबों की मदद कर दी मैंने, और जिसके पास पैसे नहीं है वो इसे देख ले बाहर फ्री में खड़े होके, क्योंकि ये भी राइजिंग स्टार है नहीं ऐसा हुआ पैसे कहाँ खर्चा करे मैंने, सलमान खान के लिए जो सामान जो मुझे इंडिया सामान भेजना है ना तो उसकी भी शॉपिंग कर ली मैंने, तो ये हुआ इसका रीजन, अब देखते हैं फ्री में कहीं एडजस्ट हो जाऊं तो, या तो फिर बस ऐसे ही हुआ क्या एक्चुअली, या तो फिर ऐसे ही घूमना पड़ेगा इसके, मुझे चारों तरफ लगता है हुआ क्या उधर से आया मैं
उधर से है, तो मैं दिखा देता हूँ। जस्ट इस साइड से आया मैं ऐसे घूम के, वहां पर फर्स्ट गेट पड़ा तो मैंने मालूम किया वहां पर से कि माय फ्रेंड कैन आई मेक अ वीडियो फ्रॉम हियर, तो वो बोला नॉट अलाउड टू मेक वीडियो हियर, गो टू द नेक्स्ट गेट एंड आस्क देम। तीन गेट हैं, उसके बहुत सारे गेट हैं, एक फर्स्ट पड़ा, फिर ये सेकंड है मेरे इधर बिल्कुल पीछे, तो और आगे भी है गेट। तो मैं फिर जब यहाँ पर आया तो वो भी ऐसे ही कहने लगा, और वो कहने लगा कि गो टू द थर्ड गेट एंड आस्क देयर। तो यार ये मैं बोला मैं वहाँ से फर्स्ट गेट से पूछता हुआ आ रहा हूँ, और वो भी ये बोला कि दूसरे गेट पे जाओ, फिर तुम बोल रहे हो कि तीसरे पे जाओ, बोला कि बस ऐसे ही घूमते रहो। दैट इज वेरी फनी। तो अब यहाँ पर अंधेरा हो गया है, तो अभी मुझे ये रिपोर्ट थी, तो मैं सो थैंक यू फाइनली फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड कैसी लगी वीडियो जल्दी से बताओ ये मुझे कमेंट करके, और शेयर करना मत भूलना, और क्या बस बहुत हो गई बकवास बाजी। थैंक यू।